हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मात्र 10 दिनों के अंदर ही 10 लाख से ज्यादा यूक्रेन निवासी दूसरे देशों की तरफ जा चुके हैं। और यदि हम बात करें कि वो कौन से देश हैं जहां पास सबसे ज्यादा यूक्रेन निवासी गए हैं, तो आप देखिए पहले स्थान पर है पोलैंड, यहाँ पर लगभग 5 लाख से ज्यादा यूक्रेन निवासी पहुंच चुके हैं। दूसरे स्थान पर है हंगरी, तीसरे पर है मोल्डोवा, चौथे पर है स्लोवेकिया, पांचवें पर है रोमानिया, और इसके अलावा बहुत से जो यूक्रेन निवासी हैं वो रसिया भी जा चुके हैं। आप समझिए लगभग 50,000 के करीब जो यूक्रेन निवासी हैं वो रसिया जा चुके हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देखिए जो यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर ज़्यादातर रूसी भाषा बोलने वाले लोग ही रहते हैं, तो ये लोग सीधे सीधे रसिया में ही चले गए हैं। और इन शरणार्थियों में यदि आप देखें तो बहुत से ज़्यादा आपको स्टूडेंट्स भी देखने को मिलेंगे, और इन स्टूडेंट्स में से आपको सबसे ज़्यादा इंडियंस ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप समझिए यूक्रेन में जितने भी विदेशी छात्र हैं उनके 25% इंडियंस ही वहाँ पास पढ़ते हैं। तो आप देखिए लगभग 14,000 से ज़्यादा भारतीय छात्रों को वहाँ से आना पड़ा है। मोरक्को में के बहुत से लोग आए हैं, अजरबैजान के। और आपको बता दूँ कि जो ये शरणार्थी समस्या है ये केवल यूक्रेन की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया भर की समस्या है। और आज की डेट में लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थी रह रहे हैं, और उनमें से 50% बच्चे हैं, और 90% जो ये शरणार्थी हैं वो केवल डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही रह रहे हैं। और जब उन कंट्रीज़ की बात करें कि किन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा शरणार्थी रह रहे हैं आज की डेट में, तो आप देखिए सबसे पहले स्थान पर है टर्की, जहाँ पास 3.6 मिलियन प्लस शरणार्थी रह रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए जॉर्डन में बहुत से शरणार्थी रह रहे हैं, कोलंबिया हो गया, युगांडा है, सूडान है, जर्मनी है, और लेबनान है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी बहुत से जो शरणार्थी रह रहे हैं, बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ तब भी बहुत से शरणार्थी गए। तो आप समझिए ये वो देश हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज रह रहे हैं।